नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फोटो देवी है। इंडियन वेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज फिर आए हैं एक नई रेसिपी के साथ। दोस्तों आज हम करेला के पेड़ के पास आए हैं, तो चलिए हम बगल में करेला को तोड़ लेते हैं। तो इधर आप पास में देख सकते हैं कि घर के बगल में हमने करेला का एक पेड़ जो है बोया हुआ था, तो आप सब देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा हमारा करेले का पौधा तैयार हुआ है और काफ़ी फल भी इसमें लगे हुए हैं, आप सब पास से देख सकते हैं। तो इसी का रेसिपी हम बनाएंगे। तो वीडियो हमारे आप लोग लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए हम करेले को पौधे से तोड़ लेते हैं। तो जितना हो सकता है उतना करेला हमने पौधे से तोड़ लिया है। चल रहे हैं छत, यहाँ पे हम बनाएंगे रेसिपी। तो सबसे पहले हम करेले को साफ पानी से धो लेंगे। करेले को हमने धो लिया है, तो सबसे पहले हम करेले को छोटे छोटे पीस में काटेंगे। तो आगे और पीछे का हिस्सा हमने काट दिया है। तो करेले को हमने दो दो इंच का टुकड़ा काट लिया है, तो अब इसे हम पतले पतले पीस में काटेंगे। तो करेले को हम आधे पर से काट लेंगे और एक टुकड़े में हमें 6 भाग काटना है। तो इसी तरह हम सारा करेला काट कर रखेंगे। तो जिस करेले में बिया जो है ज़्यादा मोटा हो गया है, तो इसे हम निकाल देंगे, हाथों से साफ कर लेंगे, मतलब निकाल लेंगे। अगर बड़ा पीस है तो 4 भाग करिए, अगर छोटा पीस है तो 3 भाग करिए। तो करेले को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो आइए दोस्तों हम आप सभी को बता दें, हम बनाएंगे क्या। आज हम बनाने वाले हैं करेले का अचार, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी होता है। तो आज हम जो करेला का अचार बनाएंगे, तो इस अचार को आप सब साल भर रखकर खा सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो उस तरीके से बनाएंगे ताकि हमारा अचार साल भर ख़राब ना हो। तो अचार बनाने के लिए हमने जो भी सामग्री लिया हुआ है आप सभी को दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने 2.5 किलो करेला लिया हुआ है, करेले को हमने धोकर काट लिया है। और यहाँ पे हमने नमक लिया हुआ है और हल्दी पाउडर है। तो यहाँ पे हमने अंगूर का सिरका लिया हुआ है। तो जो अंगूर का सिरका हमने लिया हुआ है, इसका वीडियो बनाकर हम अपने चैनल पे डाल चुके हैं और वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। आप कोई भी विनेगर ले सकते हैं, कोई भी सिरका लेकर डाल सकते हैं। तो हमारे पास अंगूर का सिरका था, तो वही सिरका हम डाल रहे हैं। काफी झागदार हमारा अंगूर का सिरका बना हुआ था। आग को हमने जला लिया है, हाथ को हमने धो लिया है। भगोने को हम रख देंगे चूल्हे पर और भगोने में हम डाल देंगे सिरका। तो सिरका में जब हम करेले को उबालेंगे तो खराब होने का चांस बिल्कुल नहीं रहेगा। इसी में हम डाल देंगे नमक, तो अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी। तो दोनों चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो करेले को हम भगोने में डाल देंगे। तो करेले को हमने डाल दिया है, इसे अच्छे से हम सिरके में मिक्स कर देंगे। तो करेले को हमने सिरके में बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है। और दोस्तों इस तरीके से आप जो है करेले का अचार बनाएंगे, तो आपका अचार जो है साल भर बिल्कुल नहीं खराब होगा, काफी अच्छा लगेगा खाने में। तो हल्दी डालने से कलर बहुत अच्छा आएगा और नमक जो है टेस्ट के लिए हमने डाला हुआ है, सिरका डाला है इसलिए, ताकि हमारा अचार साल भर बिगड़े ना। तो चलिए इसे हम ढक कर 5 मिनट लिए पका लेते हैं। तो काफी देर तक इसे पकाना नहीं है, थोड़ा सा इसे हम पकाएंगे ढककर। तो 2 मिनट हो गया, ढक्कन को हटाते हैं और करेले को हम एक बार बीच में चला देंगे, ताकि सिरका जो है बहुत ही अच्छे से सारे करेले में लग जाए। तो अब इसे हम 3 मिनट लिए फिर ढक देंगे। तो ज़्यादा इसे हमें नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा पकाना है। तो 5 मिनट हो गया है, ढक्कन को हटाते हैं। तो इसे हम एक बार चलाकर इसके बाद भगोले को नीचे उतारेंगे। तो आप सब देख सकते हैं कि करेले का जो है कलर चेंज हो गया है। तो इसे हमें पूरी तरह नहीं पकाना है।
हम भगोने को नीचे उतार लेंगे। तो करेले को हमें सिरके से जो है अलग करना है, तो यहाँ पे हमने भगोना लिया हुआ है, भगोने के ऊपर हम डलाई को रख देंगे। उसके बाद हम करेले को डलाई में पलट लेंगे, तो इसे हम फैला देंगे। तो करेले को हम 2 घंटे के लिए कड़ी धूप में सुखाएंगे ताकि इसमें जो नमी है पूरी तरह से सूख जाए। उसके बाद हम बनाएंगे करेले का अचार। तो करेले को हमने धूप में रख दिया है, मिलते हैं 2 घंटे बाद। तो 2 घंटे बीत गए हैं, आप सब देख सकते हैं कि थोड़ा सा नमी इसका कम हो गया है। चलते हैं चूल्हे के पास, अब इसका हम बनाएंगे अचार। करेले का अचार बनाने के लिए हमने जो भी मसाला लिया हुआ है आप सबको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमने 15 ग्राम सौंफ लिया हुआ है, और 15 ग्राम धनिया है, 15 ग्राम मेथी है, 15 ग्राम जीरा है, और 10 ग्राम सरसों है पीली, 10 ग्राम मंगरेल है, और 10 ग्राम राई है। और यहाँ पे हमने नमक हल्दी लिया हुआ है, तो नमक हल्दी को हमने थोड़ा थोड़ा डाला हुआ है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम दोबारा फिर थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने मिर्चा पाउडर लिया हुआ है, और यहाँ पे हमने आमचूर पाउडर लिया हुआ है, और यहाँ पे हमने हींग लिया हुआ है। तो चलिए आपको हम जला लेते हैं अचार बनाने के लिए। तो साबुत मसालों को हम कढ़ाई में डालकर भुनेंगे। तो सबसे पहले हम डाल देंगे सौंफ, उसी के साथ हम डाल देंगे धनिया, तो अब इसमें हम डाल देंगे जीरा, और उसके साथ हम मेथी डाल देंगे। मंगराई और राई और पीली वाली सरसों को हम अभी नहीं डालेंगे, नहीं तो यह जल जाएगी। तो थोड़ा सा इसको हम भून लेंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे। मसालों से हमारे चटकने की आवाज़ आ रही है, सब सुन सकते हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे राई, मंगराई और पीली सरसों, तो इसे भी हम हल्का सा भूनेंगे ताकि इसका भी कच्चापन दूर हो जाए। मसाले हमारे हो गए हैं, अब हम कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे। तो कढ़ाई हमारी बहुत ज़्यादा जल रही तो बीच से डंडा ला कर इसे हम उतार लेंगे। मसालों को हम दूसरे बर्तन में पलट लेंगे ठंडा होने के लिए। मसाले को फैला कर हम ठंडा कर लेंगे, और दोबारा हम चूल्हे पर रख देंगे कढ़ाई, और इसमें डाल देंगे सरसों का तेल। तो सरसों का तेल हम डाल रहे हैं, धुआं उठने तक गर्म कर लेंगे। तो मसालों को हमने ठंडा कर लिया है, इसे हम मिक्सी जार में डालकर बारीक पीस लेंगे। तो तेल से हमारे धुआं उठ रहा है, आप सब देख सकते हैं पास से। तो कढ़ाई को हम नीचे उतार लेंगे। तेल को हमने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है, तो अब इसमें हम डाल देंगे हींग, ताकि हींग भी तेल में हमारे अच्छे से पक जाए। तो उसी के साथ हम डाल देंगे मिर्चा पाउडर, तो बड़े वाले चम्मच से 1 चम्मच हमने मिर्चा पाउडर लिया हुआ है, तो इसे भी डाल देंगे ताकि जो कच्चापन है पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, ताकि हमारे अचार का कलर बहुत अच्छा आए। तो तीनों चीज़ों को हम एक में मिक्स कर देंगे। तो अब इसमें हम डाल देंगे करेला, करेले को हम तेल में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो तेल को हमने अच्छे से करेले में मिक्स कर दिया है, तो अब इसमें हम डाल देंगे मसाला। तो इधर आप देख सकते हैं मसाले को हमने पीस लिया है, तो ज़्यादा बारीक नहीं पिसा हुआ है, थोड़ा सा दरदरा है, आप सब देख सकते हैं पास से। तो मसाले को हम इसमें डालकर मिक्स करेंगे। तो उबालते समय हमने थोड़ा सा नमक डाला हुआ था, तो थोड़ा सा नमक और डालेंगे। अचार आप किसी चीज़ का बनाएं तो इसमें नमक की मात्रा थोड़ा बढ़ाकर रखेंगे, तो आपका अचार जो है ख़राब भी नहीं होगा, खाने में काफ़ी टेस्टी भी आएगा। नमक को हम डाल देंगे अचार में। तो इन सभी चीज़ों को हम एक में मिक्स कर देंगे। तो मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अचार से हमारे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब इसमें हम डाल देंगे आमकुट पाउडर, ताकि अचार हमारा खाने में चटपटा आए। तो आमकुट पाउडर को अचार में हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अचार को हमने मिक्स कर दिया है, अब इसे हम शीशे के जार में भरकर रख देंगे। तो जार को हमने अच्छे से धोकर सुखा लिया है, तो अचार जिस बर्तन में रखे उसमें पानी बिल्कुल नहीं लगा होना चाहिए। तो इसे हमने धोकर सुखा लिया है, अब इसमें हम रख देंगे अचार। और अचार जो है निकालते समय ध्यान देना है आप लोग को, जो है पानी हाथ में बिल्कुल नहीं लगा होना चाहिए। चम्मच इसमें डालकर अचार को निकालें, उसके बाद सर्व करें। तो यह जो है दाल चावल रोटी के साथ दोस्तों खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है करेले का अचार। तो ऊपर से हम ढक्कन लगाकर बंद कर देंगे। तो अचार को जो है बीच बीच में जो है धूप को दिखाते रहना है,
थोड़ा इसे बीच में एक बार दो बार पलट देना है ताकि ऊपर वाला अचार नीचे हो जाए और नीचे वाला जो है ऊपर हो जाए। करेले का टेस्टी अचार हमारा बनकर तैयार है दोस्तों। आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।